जय माता दी। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक साल में कुल कितनी नवरात्रि आती हैं। इसमें से बहुत से लोग जानते हैं केवल एक साल में दो ही नवरात्रि आती है, चैत और कुमार की नवरात्रि। दो गुप्त नवरात्रि भी आती हैं जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इसी प्रकार की अमेजिंग वीडियो आप सबसे पहले हमारे चैनल पर देख सकें। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार एक वर्ष में चार नवरात्रि होती है। वर्ष के प्रथम मास अर्थात चैत्र में प्रथम नवरात्रि होती है। चौथे माह अषाढ़ में दूसरी नवरात्रि होती है। इसके बाद अश्विन मास में प्रमुख नवरात्रि होती है। इसी प्रकार वर्ष के 11वें महीने अर्थात माघ में भी गुप्त नवरात्रि मनाने का उल्लेख है। इस विधान से देवी भागवत तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। अश्विन मास की नवरात्रि सबसे प्रमुख मानी जाती है। इस दौरान गर्भों के माध्यम से माता की आराधना की जाती है। दूसरी प्रमुख नवरात्रि चैत मास की होती है। इन नवरात्रि के दौरान क्रमशः शारदीय और बासंती नवरात्र के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें प्रकट नवरात्रि भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त अषाढ़ तथा माघ मास की नवरात्रि गुप्त रहती है। इसके बारे में अधिक लोगों को जानकारी नहीं होती है, इसलिए इन्हें गुप्त नवरात्रि कहते हैं।